अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम आशिकाने महबूबे इलाही इस टाइम लाइव ज़ियारत कर रहे हैं दरगाह शरीफ से। मैं सैयद अनीस निज़ामी, इंचार्ज दरगाह शरीफ, आप सब के लिए दुआगो हूँ महबूबे इलाही की बारगाह में। अल्लाह पाक महबूबे इलाही के वसीले से आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। आज बहुत बरकत और रहमत भरी रात है शब बरात की। इंशाल्लाह शब बरात के मौके पे भी मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगा महबूबे इलाही की बारगाह में। आप सब लोगों की इबादत अल्लाह पाक कबूल फ़रमाएँ, आपके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि और लोग हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़ सकें और दुआ में शामिल हो सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या महबूबे इलाही, आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है, इन सब के सलाम को कबूल फरमाएं। या महबूबे इलाही, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि सबकी परेशानियां दूर हो जाएं। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उन्हें रोज़गार अता फ़रमाएँ। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह उनके कर्ज़ दूर करने की उन्हें हिम्मत ताकत और तौफीक अता फ़रमाएँ। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता फ़रमाएँ। जो जिस हाल में परेशान हैं उन सब की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फ़रमाएँ, सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, ये जो पूरी दुनिया में वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इस बीमारी से हम सब की हिफाजत फरमाएँ और जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमाएँ, सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमाएँ। जो लोग इस बीमारी से इस दुनिया से चले गए हैं या महबूबे इलाही, उन सब की मगफ़िरत के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है या महबूबे इलाही, उन सब के नाम मुझे ध्यान में नहीं है पर आपको सब जाहिर है, उन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक उन सब के घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, आशी खान बहन ने, अम्मारा जावेद बहन ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है। अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक उनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। जितनी भी रुकावटें परेशानियाँ आ रही हैं वो सब दूर हो जाएँ। या महबूबे इलाही, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। सैयद निहाल अहमद निज़ामी अंकल ने, सैयद कमाल अहमद निज़ामी अंकल ने, सैयद जमाल अहमद निज़ामी अंकल ने, शादमान रऊफ भाई ने, वहीद सिकदर अंकल ने, इन सायमा खान निज़ामी बहन ने, आसिफ रसूल भाई ने, आसिफ मुशीर भाई ने, इन सब ने आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है। या महबूबे इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, हम सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। आज शब बरात की रात है, बरकत भरी रहमत भरी रात है। या महबूबे इलाही, हम सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। या महबूबे इलाही, जितने भी लोग इस टाइम मेरे पेज के थ्रू आपके आस्ताने की लाइव ज़ियारत कर रहे हैं, इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ। या महबूबे इलाही, इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, हम सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। आपके चाहने वालों ने पूरी दुनिया से आपकी बारगाह में मुझसे दुआओं के लिए कहा है, उन सब के नाम मुझे ध्यान में नहीं है या महबूबे इलाही, पर आपको सब जाहिर है, उन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह पाक उन सब के घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। या महबूबे इलाही, जुनैद ख़ान साहब ने, सूफिया खातून ने, सितवत ख़ान ने, दिलकुश बरकती ने, मोहम्मद सुमोन ने, नवाबजादा ने, इफ्तिखार निज़ामी ने, शकील अहमद ने, आयशा ख़ान मिर्ज़ा ने, महर ख़ान ने,
उबैदुल्ला जावेद ने, सूफिया खातून ने, इन सब ने सलाम पेश किया है या महबूबिल्लाही और दुआओं के लिए कहा है। अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। या महबूबिल्लाही एडवोकेट शहजाद अब्बासी साहब ने, उबैदुल्ला जावेद ने, शकील अहमद साहब ने, इन सब ने सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है। या महबूबिल्लाही इनके लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके घरों में बरकत अता फरमाएँ, रहमत अता फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके रोज़गार में बरकत अता फरमाएँ, इन्हें कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फरमाएँ। या महबूबिल्लाही हम सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वदखलना जन्नत मा रब्बिल अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या महबूबिल्लाही इकबाल भाई ने ढाका से आपकी बारगाह में सलाम पेश किया है, इनके सलाम को कबूल फरमाएं और अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं, इनके घरों में खुशियां अता फरमाएं, बरकत रहमत अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। भाई पूछा इंशाअल्लाह शकील साहब आपके लिए भी मैं दुआ करूंगा महबूबिल्लाही की बारगाह में। अल्लाह पाक महबूबिल्लाही के वसीले से आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं, अल्लाह पाक आपके घरों में खुशियां अता फरमाएं, बरकत रहमत अता फरमाएं। इंशाअल्लाह रहीम अब्बासी साहब मैं ज़रूर दुआ करूँगा, अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फरमाएँ और आपके रोज़गार में बरकत अता फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम। आप जितने भी लोग इस टाइम लाइव ज़्यारत कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि और लोग हमारे साथ लाइव वीडियो में जुड़ सकें और महबूबिल्लाही के आस्थाने से ज़्यारत कर सकें और दुआ में शामिल हो सकें। या महबूबिल्लाही बिलकिस सादिक ने, चौधरी सरमद बिलाल ने, सूफिया खातून ने, नाहिद अख्तर ने, मीनाक्षी ने, मोहम्मद इरफान ने, सूफिया खातून ने, गोरजा वर्मा ने, इन सब ने आपकी बारगाह में दुआओं के लिए कहा है। या महबूबिल्लाही इन सब के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ, अल्लाह पाक इन सब को कामयाबियाँ तरक्कियाँ अता फ़रमाएँ। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दरगाह शरीफ की रोज़ाना की अपडेट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम आपको शो हो रहा होगा कमेंट बॉक्स में, या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंचार्ज दरगाह शरीफ। मेरे अबाउट के अंदर भी मेरे इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, फेसबुक पेज पर ही आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं दरगाह शरीफ की डेली अपडेट्स के लिए। मैं रोज़ाना दरगाह शरीफ से लाइव आता हूँ अपने इंस्टाग्राम के पेज पर। फेसबुक पे थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप सबके लिए दुआ करता हूँ महबूबिल्लाही की बारगाह में। आज शबे बरात की रात है, शबे बरात के मौके पे कि अल्लाह पाक महबूबिल्लाही के वसीले से आप सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं, अल्लाह पाक आपके गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और आपकी इबादतें जो भी आपने करी हैं अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। या महबूबिल्लाही नसीम अहमद चौधरी साहब ने सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है। निज़ामी फ़तेह ख़ान ने सलाम पेश किया है, दुआओं के लिए कहा है। अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फ़रमाएँ, बरकत रहमत अता फ़रमाएँ। या महबूबिल्लाही सूफिया खातून ने दुआओं के लिए कहा है आपकी बारगाह में, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ,
अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक उनके घरों में खुशियाँ अता फरमाएँ, बरकत रहमत अता फरमाएँ। या महबिलाए सैयद अशाक अशरफ कशानी साहब ने सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक इनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फरमाएँ, बरकत रहमत अता फरमाएँ, कश्मीर में अमनो अनम अमान रहे, अमनो अमान रहे, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, या महबिलाही अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए। या महबिलाही आबिद हुसैन साहब ने सलाम पेश किया है और दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह पाक से दुआ फरमा दिए कि अल्लाह पाक उनकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक इनके घरों में खुशियाँ अता फरमाएँ, बरकत रहमत अता फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अब दरगाह शरीफ से कल ज़ियारत कराऊंगा। अल्लाह पाक महबूब इलाही के वसीले से आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ, आपके घरों में खुशियाँ अता फरमाएँ, बरकत रहमत अता फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।